ताज़ा मक्खन निकाल रही हूँ क्योंकि आज कृष्ण जी की छठी है, तो मैं फिर से ताज़ा मक्खन निकाल रही हूँ। उनको मिश्री और मक्खन का भोग लगेगा। तो ये मलाई थी, थोड़ी देर मैंने बाहर निकाल के रख दी थी, तो मैंने सोचा अभी से मैं मक्खन निकाल लेती हूँ, फिर और काम देखूँगी। तो ये देखिए, मैंने कान्हा जी के लिए ताज़ा मक्खन निकाल लिया है। जन्माष्टमी पे भी मैंने ताज़ा मक्खन निकाला था, आज भी मक्खन और मिश्री का भी भोग लगाएंगे। तो मैंने ये मलाई निकाल के रख दी थी, 3-4 दिन की थी जो, तो उससे फिर मैंने मक्खन बना लिया है। तो मैंने आलू बॉयल होने रख दिए हैं कुकर में, और ये थोड़े से चावल भिगोए हैं, खीर बनेगी। आलू सूखे बनाऊंगी, आलू पूरी और चावल और कढ़ी बनाऊंगी मैं, ठीक है। बाकी कान्हा जी का खाने पीने का सामान फ्रूट हो जाएंगे। और ये देखिए, मैं छोटा सा ये लेके आई थी कल पीसने वाला। वैसे तो मेरे पास वो हमारे पंजाबी में तो लंगरी सोटा बोलते हैं, वो मेरे पास है, लेकिन ये मतलब जैसे कान्हा जी का कोई भोग बनाओ या कोई व्रत रखो, वैसे भी तो कोई मतलब ऐसे ड्राई फ्रूट पीसना है या अदरक पीसनी है, हरी मिर्च पीसनी है, तो फिर वो जो है ना उसमें तो लहसुन वसन पीस देते हैं हम, तो इसलिए वो ऐसे। तो इसको मैं बिल्कुल ऐसे मतलब व्रत वगैरह के लिए ही रखूँगी। तो ड्राई फ्रूट जैसे बादाम वगैरह कूटने हैं, हरी इलायची पीसनी है, खीर बनाएंगे तो हरी इलायची पीसेंगे, इस वजह से ऐसी चीज़ें पीसने के लिए मैं लेके आई हूँ। और मेरे को बहुत शौक था इसका, क्यूट सा देखे लगता बहुत प्यारा है। तो ये देखिए, काजू मैंने इसी में किए हैं, कितने अच्छे से हो जाते हैं। कढ़ी के लिए मैंने पकौड़े निकाल लिए हैं गर्मा गर्म, और ये बन रही है मेरी खीर। सिम फ्लेम पे मैं बना रही हूँ धीरे धीरे, जो रस रस की खीर बनती है ना उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो मैं अब कढ़ी छोंकने लगी हूँ, पकौड़े मैंने निकाल लिए हैं, खीर बन रही है मेरी, आलू बॉयल होकर छील के मैंने रख लिए हैं, बस तड़का लगाना है। और ये है मेरी कढ़ी का मसाला, बस अदरक और एक लाल मिर्च और सूखा धनिया जो होता है साबुत धनिया वो कूट के डाला, और थोड़ा धनिया पाउडर, हल्दी, नमक मिर्च जो बेसिक मसाले होते हैं वो थोड़े से डाले हैं, करी पत्ता था थोड़ा सा वो डाल दिया है। बस अब ये अच्छे से भून रहा है, भून जाएगा तो इसके ऊपर से मतलब लस्सी जो बेसन मिला के लस्सी रखी है वो डाल दूँगी, और ऊपर से हरा धनिया और पकौड़े डालेंगे जब बन जाएगी। तो खीर देखिए अच्छे से, बस थोड़ा सा ही फर्क रह गया, तो इस स्टेज पे मैं काजू डाल देती हूँ। और इलायची का पाउडर भी डाल देती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा कसर है ना, तो जितने देर पकेगा इतने में इलायची का फ्लेवर जो है पूरी तरह से बीच में आ जाएगा, मतलब रम जाएगा बिल्कुल इलायची का फ्लेवर जो होता है। इधर देखिए, मैंने लस्सी डाल दी है, मैं इसको लगातार मतलब ऐसे चलाती रहूँगी, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो लस्सी फट जाएगी तो कढ़ी मेरी ख़राब हो जाएगी। कान्हा जी ऐसा होने नहीं देंगे, सब अच्छे से होगा। कान्हा जी का भोग है, ये भोग प्रसाद बन रहा है, तो कभी भी कुछ ऐसा नहीं होगा। इतने प्यार से, इतने श्रद्धा भाव से मैं बना रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बस कढ़ी बन रही है, उधर खीर बन गई, इतने में आलू तड़कती हूँ मैं। फिर बस कढ़ी में भी उबाल आने वाला है, जैसा ही उबाल आ जाएगा फिर मैं इसको ढक के सिम फ्लेम पे छोड़ दूंगी, और ये खुद उबल उबल के तैयार होगी। तो इतने में मैं कुछ और काम आलू तड़क लूँगी। आज कृष्ण जी की छठी है, जन्माष्टमी मनाई हम सबने अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से मनाई, और आज इनकी छठी है। कुछ एक लोगों ने कल भी की है और कुछ एक आज कर रहे हैं, बहुत लोग कल कर चुके हैं, तो मैं आज कर रही हूँ। दिन है मंगलवार, दिया सुबह कॉलेज चली जाती है ना, तो इसलिए मैंने सुबह 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 तो वैसे करनी भी नहीं चाहिए, कहते करो भी तो 12 बजे के बाद ही करो, क्योंकि सुबह सुबह तो कहते नहीं मतलब करनी चाहिए 12 बजे के बाद ही, लेकिन मैं शाम के टाइम ही
शाम के टाइम के हिसाब से सब तैयार कर रही हूँ, क्योंकि दिया कॉलेज जाती है, फिर दिया भी मतलब लड्डू गोपाल की सेवा करती है साथ मेरे, तो फिर वो घर ना हो तो मैं पीछे से कर दूँ ऐसा भी अच्छा नहीं लगा। वो कहती मम्मी मैं भी आ जाऊँगी तभी करना, तो इसलिए फिर मैं जो हूँ मैंने कहा चल हम ऐसे शाम को ही करेंगे, जब तू आ जाएगी कॉलेज से तभी करूँगी। आलू की तड़क दिए तैयार ही हो गए, धनिया डाल दिया है मैंने हरा, और कढ़ी भी अच्छे से बॉईल हो रही है। राधे राधे फ्रेंड्स, तो मैं चल रही हूँ मम्मी के घर, सारी चीज़ें मेरी तैयार हो गई हैं, बस चावल बनाने हैं। चावल मैंने भिगोए हुए हैं, तो मैंने सोचा 10 मिनट मम्मी को देख के आऊँ, सुबह से गई नहीं हूँ, तो वहाँ से ना देखती हूँ फूल कौन कौन से लगे हुए हैं। स्नान कराने के लिए फूल भी लाने थे, तो मैंने कहा देख भी आती हूँ मम्मी को और फूल भी ले आती हूँ, लेकिन धूप है अभी, बाकी सब चीज़ें मेरी तैयार हो गई हैं, तो चलती हूँ। मेरे घर भी लगे हुए हैं ऑरेंज वाले गुलाब, मम्मी के घर ना पिंक वाला गुलाब है, रेड रेड सा कलर है थोड़ा, एक तो पिंक होता है बिल्कुल पिंक वैसा नहीं, अच्छा सा कलर है, देखती हूँ वो भी लेके आती हूँ। पसीना देखिए मेरे को, मम्मी के घर आई थी फूल लेने और मम्मी आके चाय बना रहे थे, तो कह रहे बैठ जा चाय पी के गई हूँ, मैंने कहा नहीं गर्मी है मैं नहीं पीऊँगी, कह रहे नहीं नहीं उनका फिर आधा कप बनाऊँ, बस आधे कप से ज़्यादा मैं नहीं पीऊँगी, तो फिर इसीलिए वेट कर रही हूँ, बस मम्मी चाय बना रहे हैं पी के फिर चलती हूँ। आगे देखते हैं क्या फूल तो मिल गए, गुलाबी वाले पिंक कलर के वो हैं गुड़हल, और थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियाँ, हो जाएगा काम कान्हा जी की जैसी इच्छा। तो ये थोड़े से फूल मिल गए हैं मुझे गुलाबी वाले गुड़हल के, और ये पीला कनेर, और थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियाँ भी मैं तोड़ लूँगी इनमें से। तो पहले हम लड्डू गोपाल जी की करेंगे घी से मालिश, आज इनका छठी का स्नान है, छठी है आज कान्हा जी की, तो हम इनकी अच्छे से ध्यान रहे, वैसे अंगूठा नहीं लगे तो अच्छा है। कहते हैं कान्हा जी को नहलाते नहलाते अंगूठा नहीं लगना चाहिए, कितना भी वो करते हैं लेकिन हो ही जाता है। तो इनकी कर देंगे हम अच्छे से मालिश। इस तरह से कान्हा जी को लेके इनका नाक बंद करके इनको इसमें से डुबकियां लगवानी है, दो तीन बार नहीं लगवानी, दो बार लगवाओ या पांच बार लगाओ ऐसे, एक दो, यही होता है जिसको हम कहते हैं छठी का दूध, कहते हैं ना कि छठी का दूध याद दिला देंगे, ये होंगे चार पांच और ये छह, यही होता है छठी का दूध। कान्हा जी ने डुबकियां लगा ली छठी के दूध में। ये जो दूध है इससे हम चाहे खीर बना सकते हैं या दही जमा लो या पी लो, मतलब किसी भी अपने मतलब उसमें काम में ले आ सकते हैं आप, ये एक तरह का अमृत है। अब हम कान्हा जी को चरणामृत से, ये पंचामृत सॉरी पंचामृत जो बनाया है इससे स्नान करवाएंगे। बंसी जी ने स्नान कर लिया, जय बंसी जी की, जय राज, जय श्री। तो अब हम इन्हें इत्र लगा रहे हैं, इत्र सेवा कर रहे हैं हम बंसी जी की। इत्र लगाना बहुत जरूरी होता है, इत्र सेवा जो होती है लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत जरूरी है। जगीरधर कृष्ण मुरारी की आ।
ये कान्हा जी की हमने भोग थाली तैयार करी है। ये है माखन मिश्री का भोग, माखन और मिश्री। ये है आलू की सब्जी, ये है खीर, ये पकोड़े वाली कढ़ी और ये चावल, कढ़ी चावल जरूर होते हैं, और ये पकोड़े हैं, ये जल है, और ये चॉकलेट्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, ये अमूल कूल का दूध है, और ये शहद, शहद जरूरी है, पहले हम इन्हें शहद ही चखाएंगे, और ये पूरी हैं। तो अभी हम इनको, लड्डू गोपाल को, अपने बंसी जी को भोग लगाएंगे। बहुत ही श्रद्धा भाव से हमने भोग बनाया है, तो बंसी जी हमारा भोग ग्रहण करेंगे। तो अभी हम इनको पहले, सबसे पहले शहद चखाएंगे। भोग लगाओ श्याम जी मेरा भोग गरीब दा, भोग लगाओ श्याम जी मेरा भोग गरीब दा, भोग गरीब दा, भोग गरीब दा, भोग लगाओ श्याम जी मेरा भोग गरीब दा। माखन मिश्री का भोग है। तो हमारा भोग ग्रहण कीजिए, करिए बंसी जी। जय कृष्ण मुरारी बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधा रानी की जय। जल दे देते हैं इनको। जय श्री कृष्ण मुरारी लाल की जय। जो कोई इस अमृत को पावे, जो कोई इस अमृत को पावे, सदा अमर हो जावे ना शर मावे भूखा प्यार का, मालिक है संसार का। जो कोई इस अमृत को पावे, सदा अमर हो जावे ना शर मावे भूखा प्यार का, मालिक है प्यार का, मालिक है संसार का। जी राधे राधे। तो सब काम अच्छे से हो गया है, कृष्ण जी की छठी की। सबको बहुत बहुत एक बार फिर से बधाइयाँ। कृष्ण जन्माष्टमी मनाई हमने, तो आज से कृष्ण जी की छठी। तो छठी भी बड़े अच्छे से, जितना हमसे हो पाया श्रद्धा से हमने किया। हम करने वाले कौन हैं, कराने वाले तो वही हैं कान्हा जी। कहते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बस वही वाला है, वही वाले भाव हैं कि हम तो बस एक, जो जैसे जैसे कान्हा जी ने कराया, मेरे बंसी जी ने कराया, वैसे वैसे सब होता गया। जितना मेरे से हो पाया मैंने किया, तो बहुत अच्छे से। इतने दिन से झूले पे थे, तो आज हमने झूले से उतार के इनको स्नान कराया। पहले जो होता है दूध में ऐसे डुबकियाँ लगवाते हैं, 5-2 जितने, मतलब किसी की वो है, 5 तो करवानी ही चाहिए। नाक बंद करके ऐसे दोनों उनसे ऐसे हाथों में उठा के आराम से दूध में, मतलब ऐसे बर्तन में दूध ले लो कि जिसमें जितने तुम्हारे मतलब लड्डू गोपाल जी हैं उसी के हिसाब से लेके, तो फिर 5 डुबकी लगवाई। पहले मैंने इनको मतलब मालिश की इनकी गाय के देसी घी से, तो फिर इनकी, फिर इनको उसमें डुबकियाँ लगवाई। वही छठी का दूध होता है, छठी इसीलिए बनाई जाती है कि छठी का दूध कहते हैं ना, कि छठी का दूध तुम्हें याद दिलाएंगे, वो वाली बात है। तो फिर हमने स्नान करवाया पंचामृत से, फिर गंगा जल से, जल से, और फिर वस्त्र भूषण पहना के जो हमने बनाया था, जो हमसे बन पड़ा, हमने भोग लगाया कान्हा जी को। फिर प्रसाद ग्रहण किया हमने भी, सब ने कर लिया, इन्होंने भी और ध्रुव ने भी, सबका हो गया। और अब किचन साफ कर दी, सब बिल्कुल एंड क्लीन एंड क्लियर हो गया। सब कहते हैं ना नीट एंड क्लीन, वही वाली बात हो गई। तो बस आज भी लोग, अब मैं थोड़ी देर मम्मी के पास जाऊंगी, क्योंकि दिन में मैं थोड़ी देर के लिए गई थी, 5-7 मिनट के लिए ही आ गई थी, फूल लेने के लिए गई थी। तो फिर वो कहने लगे कि चाय बन रही है, बैठ जाओ। मैंने कहा चाय में पीती नहीं, कम करी हुई है, पीती नहीं हूँ, बहुत कम पीती हूँ। तो कहते नहीं, आधा कप पी के जा। मैंने कहा चलो फिर थोड़ी सी बनाना। तो अब जो है करेंगे हम
मम्मी के पास जाना है, मैं पहले एक बार फिर से नहाने लगी हूँ, तीसरी बार नहाना हो गया मेरा, नहाना हो जाएगा मेरा, मैं नहाने लगी हूँ, टी शर्ट पहनूंगी और फिर जो है बर्तन वर्तन मतलब सब सारी रसोई हमारी किचन बिल्कुल साफ हो गई है। तो अब मैं नहा के फिर मम्मी के पास जाऊंगी, आधा घंटा पौना घंटा वहाँ बैठूंगी, बच्चे बातें करते रहेंगे, ये अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं, किसी न किसी के फ़ोन पे बात करते रहते हैं किसी न किसी से। तो दिया आप कान्हा जी को सुला देगी, अभी तो मतलब सुलाए नहीं हैं हमने, तो फिर जो है आगे देखते हैं कैसे। तो फिर से एक बार आपको कृष्ण छठी की बहुत बहुत बधाइयाँ सबको, कान्हा जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, राधा रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, बस यही मन से दुआ निकलती है सबके लिए, सब अपने घर में मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। और अब जो है तो मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ वीडियो का। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप देख के चल जाते हो, लेकिन लाइक नहीं करते हो और ना ही कमेंट करते हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बोलो एक बार और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना राधे राधे, जय श्री कृष्णा, तो तब मानूंगी कि मेरी वीडियो आपने देखी है और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। तो कृष्ण छठी पे एक बार कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा लिख के जाना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।